हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आजकल स्मार्ट वॉच का जो क्रेज है वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपके लेके आया हूँ एक और बजट में ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है नॉइस ब्रांड की तरफ से। और यह है नॉइस ट्विस्ट, जो कि आपको 2000 रुपये में मिल जाती है, ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको राउंड डायल मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफी टाइम से इस वॉच को यूज कर रहा हूँ और फाइनली टाइम आ गया एक अच्छा रिव्यू आप लोगों को देने का। दोस्तों, कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको स्मार्ट वॉच मिल जाती है, जो कि है नॉइस ट्विस्ट, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है नॉइस ब्रांड की तरफ से। कुछ इस तरह का बॉक्स आपको मिल जाता है, इसको रखते हैं साइड में। और ये रही है हमारी मेन स्मार्ट वॉच। पहले देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट्स। तो बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एक स्टिकर, वारंटी कार्ड, इनकी कैटलॉग वगैरह मिल जाती है। और साथ ही साथ ये जो चार्जिंग केबल है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक पोगो पिन वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है, अच्छी लेंथ के साथ आती है। आते हैं मेन अपनी स्मार्ट वॉच की तरफ। कुछ ऐसे लुक में स्मार्ट वॉच जो है देखने को मिल जाती है यहाँ पर। इसमें 5 अलग अलग कलर्स आपको मिल जाते हैं, और ये जो मैंने मंगाया है यहाँ पर, ये वाइन गोल्ड कलर मंगाया है और कुछ अलग यूनिक कलर लग रहा था तो इसलिए मैंने मंगाया। सबसे अच्छी बात इसके फर्स्ट लुक की बात करूँ तो जो मुझे लगा कि इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एक अच्छा बड़ा साइज आपको मिल जाता है, जो कि 1.38 इंच की यहाँ पर आपको TFT LCD डिस्प्ले मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। ये जो स्ट्रैप्स हैं, सिलिकॉन स्ट्रैप्स दिए गए हैं और आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं और अपने पसंद के स्ट्रैप्स लगा सकते हैं, ऐसे चेंज हो सकते हैं स्ट्रैप। पूरी जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, लेकिन ये जो डायल है ये आपको मेटेलिक फिनिश में मिल जाता है। बॉडी पॉलीकार्बोनेट है लेकिन फिनिश मेटेलिक दी गई है, जो कि अच्छा लुक आपको देती है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। पीछे की तरफ देखेंगे तो सारे सेंसर आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर 2 बटन्स दिए गए हैं। और इस बटन के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर हल्की सी आपको रेड लाइनिंग दी गई है, जो कि एक अच्छा लुक यहाँ पर आपको ओवरऑल वॉच का दे देती है। तो पहनने के बाद यहाँ पर लुक की बात करें तो काफ़ी कूल लुक आपको इस स्मार्ट वॉच का मिल जाता है। सो गाइस, चलिए देखते हैं इसका यूज़र इंटरफेस आपको कैसा मिल जाता है स्मार्ट वॉच का। यहाँ पर इसके अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि जो स्क्रीन का रिस्पॉन्सिवनेस है वो कैसा है, बहुत ही स्मूथ यहाँ पर चलती है यूज़र इंटरफेस, मुझे काफ़ी पसंद आया है। अब अगर हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके जो सारे सेटिंग्स हैं, मेन क्विक सेटिंग्स आपको मिल जाती है। जैसे ये ब्राइटनेस लेवल यहाँ पर कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है, 5 ब्राइटनेस लेवल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको DND का ऑप्शन मिल जाता है, साइलेंट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर फाइंड माई फोन का और ये सेटिंग्स का एक बटन देखने को मिल जाता है, जिसमें सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर ये ब्राइटनेस है, जो कि मैंने ब्राइटनेस की हुई है यहाँ पर फुल, और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन भी मिल जाती है इस वॉच के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ रिस्ट वेक का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है वॉच के अंदर। और यहाँ पर आप स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे कि 5 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड। अब मैंने यहाँ पर ऑलवेज ब्राइट किया हुआ है तो यानी हमेशा स्क्रीन ऑन रहेगी, लेकिन इसमें बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रिस्ट वेक का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप रिस्ट ऐसे करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी स्क्रीन, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, जो कि जनरली इस इन बजट की स्मार्ट वॉच में आपको नहीं मिलता, वो है ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन। इसे ऑन करने से जब आप कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है। बेसिकली यहाँ ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप बैक चलते हैं, जो साइड के 2 बटन्स है ना, ये बैक का काम करता है, और दोबारा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी जो ऐप्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। और ये देखिए कितना स्मूथ यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। इस मेनू स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं, आप ग्रिड मोड में भी इसे कर सकते हैं और 2 तरह के यहाँ पर मेनू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो बटन है ये आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का शॉर्टकट है, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आ जाती हैं, आउटडोर साइकिलिंग, इनडोर साइकिलिंग, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप बैक चलते हैं और इधर से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर शॉर्टकट कार्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो हो गया है, अलार्म कोई लगाया हुआ है, हार्ट रेट है, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये वेदर का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, और ये वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी आप किसी भी कंट्री का यहाँ पर क्लॉक सेट कर सकते हैं। इधर से स्वाइप करेंगे तो ये मेन आपका हार्ट रेट सेंसर आ गया, आप हार्ट रेट यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर कर सकते हैं, स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं। अब आते हैं ऐप्स के अंदर, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है। ये तो नॉइज हेल्थ का ऑप्शन मिल जाता है, सारी एक्टिविटीज़ आपके अंदर आ जाती हैं, वही जो हमने बाहर से शॉर्टकट में देखा। नॉइस बस ये मेन चीज है, क्योंकि ये ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है और यहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप नंबर डायल करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप कॉल हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लिमिटेशन है कि आप 10 कॉन्टैक्ट्स ही ऐड कर सकते हैं और आपको ऐप के थ्रू ऐड करने होंगे। तो चलिए कॉल करते हैं और देखते हैं कॉलिंग क्वालिटी यहाँ पर आपको कैसी मिल जाती है। और यहीं से आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं और स्पीकर भी कर सकते हैं यहीं से, और स्पीकर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये बेल जा रही है, आप देखिए हेलो। हाँ, मैंने जो कॉल की है ना, एक्चुअली मैं एक ये नई स्मार्ट वॉच है ये टेस्ट कर रहा हूँ, तो आवाज़ कैसी आ रही है कॉलिंग की?
सर अच्छी आ रही है इसमें काफी ज्यादा। लाउडनेस सही है? हाँ जी लाउडनेस काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। मैं भी जो वॉच है थोड़ा दूर हूँ और माइक की क्वालिटी कैसी है, मतलब कोई डिस्टरबेंस तो नोटिस नहीं हो रहा ना? क्लैरिटी सही है? हाँ जी क्लैरिटी बहुत ज्यादा क्लियर आ रही है, ऐसा लगता है ठीक है। मतलब आप पास की बात कर रहे हैं? हाँ चलो ठीक है, और मुझे भी तुम्हारी आवाज जो है स्पीकर भी सही है, इंडोर होगा तो स्पीकर सही रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पर कॉल क्वालिटी जो है वो आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाती है, और कॉल हिस्ट्री यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। चलिए बैक करते हैं और देखते हैं और क्या ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो लोग मेन चीज़ पूछते हैं वो है कि वॉच फेसेस आप यहाँ पर कस्टम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैंने अभी एक कस्टम वॉच फेस लगाया है, तो आप ऐसे ही कोई भी वॉच फेस ऐप के थ्रू लगा सकते हैं, नॉइस फिट ऐप के थ्रू। और साथ ही साथ अगर आपको चेंज करने तो आपने जो वॉच फेस यहाँ पर डाले हुए हैं इस वॉच के अंदर वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने वापस से ये वाला वॉच फेस लगा लिया है, ऐसे ही आप कोई भी वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे वॉच फेसेस जो हैं आप इसकी ऐप के थ्रू करते हैं। तो चलिए ऐप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपको कैसा यूजर इंटरफेस मिल जाता है। सो बेसिकली ये रही है नॉइस फिट ऐप, यहाँ आपको ऊपर ही सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे आपकी कैलोरीज वगैरह, और मेन जो सेटिंग्स आपकी होती है वो माय डिवाइस के अंदर। यहाँ पर आपको बैटरी भी देखने को मिल जाएगी, और अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अपडेट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, वारंटी रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं यहीं से। और ये सारे वॉच फेसेस हैं जो आप यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं। मैं अगर व्यू ऑल करता हूँ तो टॉप डाउनलोडेड वॉच फेसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कस्टम बनाना है तो क्रिएट न्यू करके और यहाँ से आप गैलरी से या कैमरे से जो है अपना फोटो सेलेक्ट कर और वॉच फेस बना सकते हैं। और सारी ऐप्स की आप नोटिफिकेशंस जो है इस स्मार्ट वॉच में चेक कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशंस, जीमेल का नोटिफिकेशंस, ये सारे नोटिफिकेशंस हैं। आप किसी भी नोटिफिकेशन में ओपन करता हूँ तो पूरा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये आप देखिए। और मैं इसे फिलहाल डिलीट भी कर सकता हूँ, और यहीं से हम जो है अगर कोई कॉल आ रही है तो उसे क्विक रिप्लाई कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस चलिए देख लेते हैं और क्या फीचर आपको स्मार्ट वॉच के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर इसके अंदर IP68 रेटिंग मिल जाती है, यानी आउटडोर में डस्ट वगैरह पानी गिरता है, हैंड वॉश करते हैं, वॉच खराब नहीं होने वाली है। आउटडोर की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको 500 निट ब्राइटनेस मिल जाती है। व्यूइंग एंगल स्क्रीन के काफ़ी अच्छे हैं, स्क्रीन साइज भी बड़ा है, तो आउटडोर में आपको स्क्रीन जो है ईजिली विजिबल हो जाती है यहाँ पर। और चीज़ें देखें तो इसके अंदर आपको जो बैटरी लाइफ है जो कि स्मार्ट वॉच की एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि फीचर्स तो मिल रहे हैं लेकिन आप कितने टाइम तक यूज़ कर पाएंगे, बार बार चार्ज तो नहीं करना पड़ेगा। तो बैटरी लाइफ अगर नॉर्मल यूसेज है आपका तो 5 दिन के आराम से मिल जाती है, जैसे मैंने इसको टेस्ट किया है। लेकिन अगर हैवी यूसेज है और आप ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह करते हैं तो 1.5 से 2 दिन का ही आपको यहाँ पर प्लेबैक टाइम जो है इस वॉच के अंदर मिलेगा। और कहीं अगर इसके सेंसर की एक्यूरेसी की बात करें तो आपको काफ़ी सही मिल जाती है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस रेंज में इतनी एक्यूरेसी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी काफ़ी सही है। हाँ मेडिकल इक्विपमेंट से तो कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट रेट सेंसर है या SPO2 है, लेकिन एक हद तक एक्यूरेसी आपको सही मिल जाती है। स्टेप्स काउंट भी 1-2 स्टेप्स का वेरिएशन रहता है, लेकिन अगर आपने सही से पहनी हुई है तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज के हिसाब से 2000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है। जो फर्स्ट मतलब पहली चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी स्मार्ट वॉच की वो है इसका स्क्रीन साइज काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बेजल्स काफ़ी पतली हैं, ओवरऑल एक अच्छा मैसिव लुक मिल जाता है राउंड डिस्प्ले के अंदर। 5 अलग अलग कलर्स आते हैं, वैसे मुझे कुछ अलग कलर ट्राई करने की रहती है तो इसलिए मैंने ये वाला कलर मंगाया, बाकी नॉर्मल ब्लैक कलर वगैरह भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, और गर्ल्स के लिए एक पिंकिश जो कलर है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्मार्ट वॉच इस प्राइस पॉइंट में कैसे लगी। वैसे ये जो है ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, आने वाले टाइम में आपको 2500 रुपये ये मिलेगी, अभी जो प्राइस है वो है 2000 रुपये। अगर आप खरीदना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है, वहाँ से खरीद लीजिए। बाकी कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी है, ये स्मार्ट वॉच कैसी लगी है। अगर आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं किसी और स्मार्ट वॉच के साथ तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जोर से दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ रोज़ ऐसी वीडियोज, ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट जो आपको पसंद है, आपके काम भी हैं। दोस्तों मैं हूँ फहीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।